बर्तानिया के समर का आगाज करते हैं ब्रिटिश ब्रेकफास्ट के साथ, जिसमें मैं आज सर्व करूंगी पोटैटो कैबेज कटलेट्स, बेक बीन्स, चिकन सॉसेजेस, टर्की रैशर्स, स्क्रैम्बल एग और सौते मशरूम्स एंड टोमेटोस। सबसे पहले हम बनाएंगे पोटैटो कैबेज कटलेट्स, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। आपको चाहिए होंगे पोटैटोज बॉइल्ड 4 to 5, कैबेज लीव्स चॉप्ड, स्प्रिंग अनियंस चॉप्ड 1 टेबल स्पून, क्रश ब्लैक पेपर हसबिजायका, सॉल्ट ये भी हसबिजायका और गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून। अब एक पैन लीजिए और फ्लेम को रखिए बिल्कुल मीडियम और इसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड कीजिए। फिर इसमें शामिल कीजिए कैबेज और स्प्रिंग अनियंस और इनको डालकर लाइटली सौते करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट, ताकि इनका क्रंच खत्म ना हो जाए। अब जो कटलेट के लिए आपने पोटैटोस बॉईल किए थे उनको पहले मैश करना है और उसमें शामिल करना है हसबे जायका क्रश ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये भी हसबे जायका, और फिर सौते किए हुए स्प्रिंग अनियंस और कैबेज भी इसमें शामिल कीजिए। इसमें आपको शामिल करना है गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको इसको शेप देनी है, जिस भी शेप की चाहे आप बना सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून बटर में आपको अपने कटलेट को फ्राई करना है। अब लीजिए बेक बीन्स, ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर में बासानी मिल जाते हैं। मैंने इसका एक कैन लिया, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, लेकिन मैं इसका जायका बढ़ाने के लिए शामिल कर रही हूँ क्रश ब्लैक पेपर, हसबे जायका और थोड़ा सा क्रश ड्राई ओरिगानो। मिक्स करने के बाद इसको माइक्रोवेव करना है सिर्फ 4 मिनट्स के लिए और 4 मिनट्स में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। हमारे कटलेट फ्राई हो रहे थे और इसमें ये जब ब्राउन हो जाएं तो इसका मतलब है कि हमारे कटलेट भी बिल्कुल रेडी हैं। बेक बीन्स भी रेडी हैं और कटलेट्स भी रेडी हैं। अब हमें चाहिए होंगे एग्स 3 to 4, चिकन सॉसेजेस 2, टर्की रैशर्स 3, मशरूम्स 3, चेरी टोमेटोस 8, बटर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर क्रश हसबे जायका और सॉल्ट हसबे जायका। अब पैन को रखिए मीडियम फ्लेम पे और बटर को कीजिए मेल्ट। 1 टेबल स्पून बटर डालिए और इसमें आपको फ्राई करने हैं सॉसेजेस और टर्की रैशर्स को, बस 2 to 3 मिनट्स ही आपको फ्राई करने हैं। जब टर्की रैशर्स और सॉसेजेस फ्राई हो जाएं तो सेम पैन में मशरूम्स और चेरी टोमेटोस को भी फ्राई करना है। और इसमें आपको हसबे जायका नमक और क्रश ब्लैक पेपर डालना है और थोड़ा सा ड्राई ऑरिगैनो भी शामिल करना है। मशरूम्स के टॉप पे थोड़ा सा बटर शामिल कीजिए और कुक कीजिए 5 to 6 मिनट्स के लिए। अब बारी है स्क्रैम्बल एग्स की। एक बोल में एग्स को बीट कीजिए और इसमें शामिल कीजिए क्रश ब्लैक पेपर और सॉल्ट, अब हसबे जायका और क्रीम 1 टेबल स्पून और अगेन इसको अच्छे से बीट कर लीजिए। पैन लीजिए और उसमें 1 टेबल स्पून बटर को मेल्ट कीजिए, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और उसमें बीट किए हुए एग शामिल करने हैं।
एग्स को लाइट और फ्लफी होने तक ही कुक करना है। जब आप देखें कि आपके एग्स बिल्कुल फ्लफी हो गए हैं, लाइट और क्रीमी हो गए हैं, तो अपने फ्लेम को बंद कर दीजिए, वरना एग्स जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। मज़ेदार ब्रिटिश ब्रेकफास्ट तैयार है। सर्विंग प्लेट पर सजाइए और साथ में टोस्टेड ब्रेड और गर्मा गर्म टी या कॉफ़ी रखना ना भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।